जब पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी करने तो पठान आएगा ही और साथ में पटाखे भी लाएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल विथ अनदर वीडियो। गाइज, पिछले साल 2022 के आखिरी महीने से लेकर अभी तक 2023 तक आप देख सकते हैं कि एक कंट्रोवर्सी चल रही है पठान मूवी को लेकर, जो बॉलीवुड के एक महान एक्टर शाहरुख खान की मूवी है जो 25 तारीख को रिलीज होने वाली है। उस पठान मूवी को लेकर एक गैंग है, बायकॉट गैंग, जो चंद लोगों की गैंग है, वो हमेशा किसी भी पठान या किसी भी खान या किसी भी मुस्लिम की जब मूवी आने वाली होती है तो वो बायकॉट करने के लिए सावन के मेढक की तरह बाहर निकल आते हैं और टूट पड़ते हैं बायकॉट करने के लिए, और वो अपने काम को बहुत ही बाखूबी तरीके से अंजाम देते हैं, बहुत ही ईमानदारी तरीके से अंजाम देते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ कि उन बायकॉट गैंग वाले लोगों पर। मैं आपको बता दूँ कि एक रिलीजन से जोड़कर इस फिल्म का बायकॉट किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा है बेसन रंग जब से गाना आया है उसमें दीपिका पादुकोण जो ऑरेंज कलर की बिकनी पहन ली है, जब से शाहरुख खान के पठान मूवी का एक बेसन रंग सॉन्ग रिलीज हुआ है उसमें दीपिका पादुकोण एक ऑरेंज कलर की बिकनी पहनकर डांस कर लिए, तब से ये बायकॉट गैंग वाले उस फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं। एक धर्म से रिलेटेड, एक धर्म से जोड़कर, ताकि एक धर्म से जोड़ने का मकसद ये है कि उस धर्म के लोग इनके साथ आए और ये लोग भी एक भारी जनसंख्या में आकर वो पठान मूवी का विरोध करें। मैं आपको बता दूं कि इस बायकॉट करने वाले जो जिस धर्म से जोड़ रहे हैं उस धर्म के सारे लोग नहीं बायकॉट कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग शाहरुख खान के ऑलरेडी फैन भी हैं और इस मूवी को देखने भी जाएंगे। कोई देखे या ना देखे उसे मुझे कोई मतलब नहीं, जिसके पास पैसा है वो जाओ देखो, जिसके पास नहीं है वो ना देखो, कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बायकॉट गैंग एक ऐसे एक्टर की मूवी को बायकॉट कर रही है जो बॉलीवुड में एक अपना अलग पहचान बनाया रखा है और बॉलीवुड में एक अलग रुतबा है उसका। मैं आपको बता दूं कि जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो हमारा टीम नहीं था वहाँ पे, इंडिया का टीम नहीं था फीफा वर्ल्ड कप में, तब भी हमारे देश को बहुत सारे कंट्री के लोग जाने और बहुत सारे कंट्री जानी हमारे देश को, और बहुत अच्छे तरीके से शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की तरफ से हमारे देश को रिप्रेजेंट किया गया उस फीफा वर्ल्ड कप में। और मैं आपको बता दूं कि ये बायकॉट गैंग वाले शाहरुख खान के पठान मूवी का जितना बायकॉट कर रहे हैं उनको शाहरुख खान की तरफ से एक अच्छे तरीके से रिप्लाई मिलते जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुबई का एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग जिसको बुर्ज खलीफा कहा जाता है, और उस बुर्ज खलीफा पर एडवर्टीजमेंट कराने के लिए बहुत सारे कंपनी हो या कोई एक्टर हो या कुछ भी हो, उनको लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं उस बुर्ज खलीफा पर अपना एडवर्टीजमेंट कराने के लिए। और वहाँ पर इस देश के बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान जाकर दुबई में उस बुर्ज खलीफा पर अपने पठान मूवी का पूरा ट्रेलर चलाता है। आप देख सकते हैं कि अपने देश को किस तरह से अगले देशों में, दूसरे देशों में किस तरह से शाहरुख खान के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, अपने देश को एक अच्छा पहचान देने का शाहरुख खान की तरफ से काम किया जाता है। और आप यहां पे देख सकते हैं कि पठान मूवी का ट्रेलर का पूरा बुर्ज खलीफा पर एडवर्टीजमेंट हुआ। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बहुत ही शान और बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि एक एक्टर जाकर हमारे देश को एक दुबई में बहुत ही बड़ा बिल्डिंग जिसको बुर्ज खलीफा कहा जाता है वहाँ पर अपने फिल्म का प्रमोशन करता है, वो भी फ्री में, और यहाँ तक कि वो दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है। और जो लोग बायकॉट कर रहे हैं किसी रिलीजन को जोड़कर, इसी रिलीजन के बहुत सारे लोग हैं जो शाहरुख खान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत बड़े फैन हैं और इस फिल्म को सुपर डुपर हिट कराने वाले हैं, और कुछ चंद लोग वैसे एक्टर को बायकॉट करने का काम करते हैं और उन लोग का मानसिकता है कि इस फिल्म को बायकॉट करके और फ्लॉप करके शाहरुख खान को रोड पे चना बेचवाने के काम करेंगे। खैर, इनका मानसिकता इनके साथ। अगर आपको बायकॉट करना है तो बॉलीवुड के अश्लीलता चीज़ों को बायकॉट करो, हम सभी लोग आपके साथ हैं, लेकिन आपको बायकॉट करना है एक धर्म रिलीजन चीज़ों को, आप धर्म रिलेटेड चीज़ को बायकॉट करोगे तो आपके साथ में बहुत सारे लोग आएंगे जिससे एक बड़ी संख्या में आप किसी चीज़ को बायकॉट करो। आपकी मानसिकता इस तरह की है कि आप किसी भी चीज़ को बायकॉट करना है मुसलमान को चीज़ों को, तो उसमें सबसे पहले एक धर्म रिलेटेड किसी चीज़ को चुन लिया जाए, जिस तरह इसमें भागवा कलर को चुना गया है। और एक बात मैं आपको बताते चलूं कि ये कहीं ना कहीं एक शाहरुख खान का एक बहुत ही बड़ा बिछाया हुआ जाल था जिसमें ये बायकॉट गैंग वाले सभी लोग अच्छे तरीके से फंस गए। सबसे पहले उन्होंने एक बेसन रंग सॉन्ग रिलीज किया और शाहरुख खान को पता था कि इससे पहले जो आमिर खान का मूवी आया था लाल सिंह चड्ढा उसको भी बायकॉट किया गया था, तो ऑब्वियसली मेरे भी इस फिल्म को बायकॉट किया जाएगा इस बायकॉट गैंग की तरफ से। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जाल बिछाया जिसमें ये बायकॉट गैंग वाले आकर अच्छे तरीके से फंस गए। और ये बायकॉट गैंग वाले ने शाहरुख खान को ये दिखा दिया कि भाई तुम इस चीजों से बायकॉट किया जा रहे हो, तो उन्होंने इस चीजों को सुधार लिया। और कहीं ना कहीं ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है, क्योंकि ऐसे एक्टर का फिल्म सुपर डुपर हिट होना ही चाहिए जो अपने देश के बारे में सोचे और अपने देश को दूसरे देश में एक अच्छे तरीके से परिचय देने का काम करे, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता हो। बुर्ज खलीफा पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे बुर्ज खलीफा पे पूरा फ्री में ट्रेलर चला है पठान मूवी का, और फीफा वर्ल्ड कप में भी
अपने देश का नाम रोशन किया शाहरुख खान ने, और बहुत सारे जगहों पे शाहरुख खान के द्वारा अपने देश का नाम रोशन किया जाता है। कुछ लोगों को ये वीडियो देखकर बहुत तकलीफ होगी और वो कमेंट बॉक्स में अपना परिवरिश का परिचय देने आएंगे, तो खैर आप लोग अपने परिवरिश का परिचय दे, ऐसा दे कि कुछ लोग पढ़े तो उन लोग को अच्छा लग सके। खैर 25 तारीख को पठान मूवी रिलीज होने वाली है, उसके बाद से देखा जाए कि क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक।